2025 में 2010 से ज्यादा बड़ा रिजल्ट लेके हम लोग आएंगे। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से संजय झा पहली बार पटना पहुंचे हैं, और पटना पहुंचते ही तमाम जो जदयू के कार्यकर्ताओं की भीड़, उनको स्वागत करने के लिए वो पटना एयरपोर्ट पर उमड़ पड़ी। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे किस तरीके से संजय झा के स्वागत के लिए। और आपको बताते चले कि 2025 को चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार ने संजय झा के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, और संजय झा आज पहली बार यानी कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से पहली बार पटना एयरपोर्ट पहुँचे, और पटना एयरपोर्ट पहुँचते ही कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ गई। लगातार जोर जोर से नारे भी लगाए जा रहे हैं, शंखनाद किया जा रहा है संजय झा को, जिस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे किस तरीके से संजय झा को यानी नीतीश कुमार के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद से पहली बार बिहार पहुंचे संजय झा, और बिहार पहुंचते ही पटना एयरपोर्ट पर जमावड़ा लग गया उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। वहीं 25 को लेकर के संजय झा ने एक बड़ी बात कह दी, सुनिए पहले संजय झा ने क्या कुछ कहा। खास करके बिहार से पार्टी का आधार बढ़ाना नीतीश कुमार जी के काम काज को बहुत किए, लेकिन इस चीज को बाहर हम लोग उतना लेके नहीं जा पाए जो बिहार का एक मॉडल काम करने का है। उस तरह बिहार के बाहर खास करके झारखंड में, यूपी में, दिल्ली में, इन जगह पार्टी का आधार बढ़ाना ये काम जरूर रहेगा। ये अभी लोकसभा का रिजल्ट ने एक आपको सिग्नल दिखा दिया कि विधानसभा में क्या होगा। 177 सीट पे हम लोग लीड किए हैं इस लोकसभा में, और जो 2010 का रिजल्ट था, आज भी जो लोग मानते थे खास करके दिल्ली में मीडिया के लोग कि नीतीश कुमार समाप्त हो गए, पार्टी खत्म हो जाएगी, वो सब अब जो मिलते हैं उनके लिए बड़ा सरप्राइज है। नीतीश कुमार हमेशा सरप्राइज देते हैं, और आज जितना बड़ा विक्ट्री लेकर के हम लोग दिल्ली गए हैं, और जो एनडीए सरकार बनी है उसमें बड़ा सहयोग बिहार का और जेडीयू का है, तो 2025 में 2010 से ज्यादा बड़ा रिजल्ट लेके हम लोग आएंगे। पार्टी चुनाव लड़ेगी वहां पर। तो आपने सुना किस तरीके से पहली बार यानी नीतीश कुमार के द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से संजय झा पहली बार पटना पहुंचे, और पटना पहुंचते हुए साफ साफ 25 को लेकर के संजय झा ने कह दिया है कि 200 प्लस सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि नीतीश कुमार को लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक थी तो ये कई बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर में नीतीश कुमार क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष से छुट्टी लेंगे, किसको जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। लेकिन अंततः उन्होंने नीतीश कुमार के हमेशा करीब रहने वाले इंडिया गठबंधन बनाया, तब भी संजय झा करीब थे, अब एनडीए में है तब भी नीतीश कुमार के हमेशा करीब रहने वाले संजय झा के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दिया। और संजय झा ने साफ साफ कह भी दिया है कि 2025 में हम लोग 200 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि एक तरफ जहाँ इंडिया गठबंधन की तरफ से भी 25 की तैयारी में आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सब लोग जुटे हुए हैं, वहीं नीतीश कुमार ने जिसके ऊपर यानी संजय झा के ऊपर जो जिम्मेदारी दिया है, संजय झा आखिर में 25 में क्या कुछ जदयू के लिए कर पाते हैं।